वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। क्या अमित शाह के बेटे और बीसीसीआई में अहम पद संभाले हुए जय शाह ने तिरंगे को थामने से इनकार करके तिरंगे का अपमान किया? मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस मुद्दे पर कांग्रेस ने जबरदस्त हमला बोला है अमित शाह के बेटे जय शाह के ऊपर। पहले तो मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि कल भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के अंतर्गत मुकाबला हुआ और उसमें भारत को शानदार जीत मिली। जीत के बाद एक व्यक्ति जय शाह के पास आता है और उन्हें तिरंगा जो है थमाता है। जय शाह अपनी नाक सिकोड़ के तिरंगा पकड़ने से मना कर देते हैं। अब कल्पना कीजिए दोस्तों, यही काम इरफान पठान ने किया होता, यही काम अगर कांग्रेस के किसी नेता ने किया होता, क्योंकि राजीव शुक्ला भी है ना बीसीसीआई में, अगर उन्होंने किया होता तब क्या होता? मैं आपको बतलाने वाला हूं और जवाब बहुत चौंकाने वाला है कि जय शाह ने सही किया या गलत किया, मगर थोड़ी देर बाद, मगर जाहिर सी बात है कांग्रेस ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। और यही नहीं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज से कई सालों पहले जब हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति थे और रिपब्लिक डे परेड में उन्होंने तिरंगे को सल्यूट नहीं किया था, तो उस मुद्दे को लेकर बहुत जबरदस्त बवाल हुआ था। यह भी कहा गया था कि हामिद अंसारी ने देश का अपमान किया था, जो कि सही नहीं था, क्योंकि तिरंगे को लेकर कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं कि अगर आपने हेडगियर नहीं पहना है तो आप तिरंगे को सल्यूट ना करें। इसकी चर्चा बाद में, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कांग्रेस किस तरह से हमला बोल रही है जय शाह के ऊपर। आपके स्क्रीन्स पर जयराम रमेश, पार्टी के मीडिया स्ट्रैटेजी के प्रमुख, उनका कहना है कि मेरे पास पापा हैं, तिरंगा अपने पास रखो। और इसमें वो वीडियो दिखाया जा रहा है जिसमें एक व्यक्ति जय शाह के पास आता है और जय शाह नाक सिकोड़ कर कह देते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पकड़ना। टीआरएस के कृष्ण टीआरएस क्या कह रहे हैं, इफ इट वॉज एनी नॉन बीजेपी लीडर हु रिफ्यूज टू होल्ड द इंडियन फ्लैग द होल ऑफ बीजेपी आईटी सेल वुड हैव कॉल्ड एंटी नेशनल एंड गोदी मीडिया वुड हैव डन डे लॉन्ग डिबेट्स ऑन इट। लकली इट्स शहनशाह सन जय शाह। क्या कह रहे हैं यहां पर टीआरएस के नेता कि अगर जय शाह की जगह कोई और होता तो गोदी मीडिया दिन भर इस पर डिबेट करता, बीजेपी का पालतू प्रचार तंत्र जो है इस पर दिन भर उस व्यक्ति को एंटी नेशनल बताता, मगर यहां पर शहनशाह के बेटे के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा। और यहां पर टीआरएस के जो नेता हैं, शहनशाह दरअसल अमित शाह को कह रहे हैं और उनका बेटा जो है, जैसे कि आप जानते हैं, जय शाह है। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस मुद्दे पर क्या कहना है अलका लांबा का, जो कि कांग्रेस की नेता हैं। गद्दार परिवार देश का खाएंगे, तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगे। बहुत तल्ख शब्द यहां पर उन्होंने इस्तेमाल किया है। सुप्रिया श्रीनेत, तिरंगा हमारा गुरूर है, हमारा शान है, हमारी पहचान है। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस के नेता जो हैं लगातार हमला बोल रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। कांग्रेस के एक और नेता गौरव वल्लभ ने कहा है, सदी के तथा कथित महानतम क्रिकेटर ने टीम इंडिया की जीत पर तिरंगे को हाथ में लेने से किया इनकार। किसी ने ठीक कहा है, पुरानी आदतें जाती नहीं, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। और यहां पर निशाना कहीं ना कहीं आरएसएस पर है, जिसने 52 साल तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया। तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले का बयान आपके स्क्रीन्स पर, मोदी गवर्नमेंट लिटरली डिडक्टेड मनी फ्रॉम पीपल्स सैलरीज फॉर हर घर तिरंगा, बट होम मिनिस्टर अमित शाह सन रिफ्यूजेस टू होल्ड द फ्लैग इवन व्हेन इट्स ऑफर्ड टू हिम। वेयर इज द एंटी नेशनल सर्टिफिकेट बीजेपी और इज द शाह डायनेस्टी एग्जेम्प्ट। साकेत गोखले कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने हर इंसान की तनख्वाह से हर घर तिरंगा को लेकर पैसे काटे, मगर अमित शाह के बेटे तिरंगा थामने से भी इनकार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बतलाए कि राष्ट्र विरोधी सर्टिफिकेट कहां है, या अमित शाह को इससे छूट मिली हुई है? क्या कह रहे हैं कांग्रेस के एक अन्य नेता अशोक बसोया आपके स्क्रीन्स पर, तिरंगे से इतनी नफरत शायद आरएसएस वालों के खून में ही तिरंगा विरोध है। अब मैं जानता हूं आप लोगों के जहन में एक सवाल होगा
कि जब जयशाह ने तिरंगे को लेने से मना कर दिया वो सही थे या गलत। मैं आपको बता दूं कि जयशाह बीसीसीआई में अहम पद निभाने के साथ साथ उनकी एक और जिम्मेदारी है, वो है एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष, एसीसी के अध्यक्ष। जब वो उस कुर्सी पर बैठे हुए थे तब वो सिर्फ भारत के नागरिक नहीं थे, एसीसी के अध्यक्ष थे और एशिया के अंदर जो तमाम देश क्रिकेट खेलते हैं ना उनकी नुमाइंदगी भी कर रहे थे। इसलिए अगर उन्होंने तिरंगा पकड़ने से मना कर दिया तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तार्किक तौर पर, तकनीकी तौर पर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। मगर जैसे मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, आपको यह तस्वीर याद होगी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, यहां पर सल्यूट नहीं कर रहे हैं। और मैं नहीं भूला हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा प्रचार तंत्र था, गोदी मीडिया था, यहां तक कि बीजेपी के अपने नेता, इस तस्वीर को लेकर उन्होंने हामिद अंसारी पर हमला बोला था और उन्होंने ये कहा था कि इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। जबकि आप जानते हैं हमारा जो तिरंगा है उसका कोड 6 है, फ्लैग कोड 6, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर आपके पास उचित हेडगेयर ना हो तब आप तिरंगे को सल्यूट ना करें। यही जिक्र हामिद अंसारी ने भी अपने बचाव में किया था, मगर इसके बावजूद उन पर लगातार हमला बोला गया। मगर कल्पना कीजिए दोस्तों, जयशाह की जगह अगर एसीसी के प्रमुख होते राजीव शुक्ला जो कि कांग्रेस के नेता भी हैं, या उनकी जगह पर इरफान पठान होते, या उनकी जगह पर कोई ऐसा शख्स होता जिसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता, क्या आप कल्पना कर सकते हैं उसकी क्या हालत कर दी गई होती? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि गोदी मीडिया ने उस पर क्या क्या डिबेट ना किए होते? और जब बात गोदी मीडिया की हो रही है तो मैं आपको इन मोहतरमा से आपका परिचय कराना चाहूंगा। हाँ, वही 2000 के नोट में चिप वाली जो मैडम है वो क्या कह रही है दोस्तों, कितनी शर्म की बात है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इसके अंतर्गत ये हमारे सेना का अपमान कर रही हैं? इन्होंने क्या बयान दिया आपकी स्क्रीन पर, कौन कहता है फौज में गुजराती कम है? किसी भी वर्दी में सही, मकसद तो पाकिस्तान को हराना है। यहां पर दरअसल उन्होंने जिक्र किया हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा का, जो कि आप जानते हैं गुजरात से। यहां पर उन्होंने पहली बात कही कि भाई फौज में गुजराती कम है और क्रिकेटर्स की तुलना कर डाली इन्होंने फौजियों के साथ। 2000 नोट में चिप ढूंढ लेने वाली इस वैज्ञानिक से मैं पूछना चाहता हूं, जब मेरा फौजी LOC पर देश की रक्षा करता है ना, तो घर में बैठी उसकी पत्नी, उसकी मां, इस बात को लेकर 24 घंटे उसके जहन में तनाव होता है कि उसका पति, उसका बेटा, उसका भाई जिंदा लौटेगा या नहीं। उसके सिर पर हमेशा मौत का खतरा मंडराता रहता है कि पाकिस्तानी आतंकवादी या पाकिस्तानी बैट कहीं धावा बोल के उसे पकड़कर उसकी गर्दन को ना रेत दें। यह डर हमेशा रहता है हमारे सैनिकों को। मैं पूछना चाहता हूं इस मोहतरमा से, क्या हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा को भी यही डर था जब वो पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे थे? ये वही मोहतरमा है दोस्तों, आपको याद होगा जब गालवान घाटी में चीन के साथ संघर्ष हुआ था और हमारे 21 सैनिक शहीद हो गए थे, तब मैं नहीं भूला हूं, मैंने इसी को सुना था आज तक पर यह कहते हुए कि सीमा पर रक्षा करने का कर्तव्य सरकार का थोड़ा ना होता है, वो सेना का होता है, और नाकामी हो जाए तो वो जिम्मेदार सरकार की थोड़ा ना है, सेना की है। यानी कि जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करे तो उसका पूरा क्रेडिट मोदी जी को दिया जाए। वो मोदी जी जो कहते हैं मैंने बादलों को देखकर जो है मुझे मौका दिख गया और मैंने हमला बोल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के हर अच्छे काम का क्रेडिट लेते हैं, तब ये लोग नहीं बोलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पलटकर कि प्रधानमंत्री आप जो सेना के काम का क्रेडिट ले रहे हैं ये आपका काम नहीं है, सेना का काम है। और इन मोहतरमा ने इस तरह से जलील किया था हमारी सेना को। ये लोग चाहे ये पत्रकार हो इनके पालतू, या पॉलिटिकल पार्टी विशेष हो, या भाजपा का प्रचार तंत्र, ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद पर वोट्स हासिल करना चाहते हैं, आपको मूर्ख बनाना चाहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। मैंने साफ तौर पर कहा जय शाह ने जो किया गलत नहीं किया, अगर उसने तिरंगा थामने से मना किया तो गलत नहीं किया। जैसे मैंने कहा कि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं,
मगर बड़ा प्रश्न, ये दोहरे मापदंड क्यों? जब हामिद अंसारी आते हैं तो आप उन पर झूठा हमला बोलते हैं, उनका गोदी मीडिया इस तरह के वाहियात तर्क देता है। और दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूं, कल जब मैच खत्म हुआ तो इस मुद्दे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी अपनी टिप्पणी दी। क्या कहा राहुल ने, क्या कहा प्रियंका ने? राहुल गांधी का बयान, व्हाट अ थ्रिलर ऑफ अ मैच, वेल प्लेड टीम इंडिया, द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट्स इज हाउ इट इंस्पायर्स एंड यूनाइट्स द कंट्री विद अ फीलिंग ऑफ ग्रेट जॉय एंड प्राइड, कह रहे हैं राहुल गांधी। प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं? हुर्रा, हम जीत गए, कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया फॉर अ ग्लोरियस परफॉर्मेंस एंड विन, वेल प्लेड मेन इन ब्लू, जय हिंद, इंडिया वर्सेस पाक एशिया कप। आप जानते हैं कल जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ, मुझे एक और चीज बहुत अच्छी लगी भारत की जीत के साथ साथ। मैं भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मैदान में देख रहा था, दोनों खिलाड़ियों के बीच दोस्तों जो कड़वाहट थी ना, वो लगभग नदारद थी, लगभग खत्म हो चुकी थी। मैंने देखा किस तरह से हार्दिक पांड्या एक पाकिस्तानी क्रिकेटर के कंधे पर अपना हाथ रख रहे थे, और इस तरह की ढेरों मिसाल सामने उभर कर आई। मुझे याद है रविंद्र जडेजा की टक्कर हो गई थी एक पाकिस्तानी बॉलर के साथ, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, मगर एक दूसरे से नाराज होने के बजाय दोनों ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है। ये अपने आप में एक स्वागत योग्य कदम है दोस्तों, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि खेल को खेल की तरह लिया जाए, उसे जंग नहीं बना दिया जाए, जैसे कि उस 2000 नोट में चिप ढूंढने वाली वैज्ञानिक ने बता दिया था। यानी कि क्रिकेट को या क्रिकेटर को उन्होंने सैनिक से उसकी तुलना कर डाली थी और सैनिक की तौहीन कर दी थी। मगर ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं, इनके खिलाफ प्रचार तंत्र कुछ नहीं कहेगा, इनके खिलाफ सरकार कुछ नहीं कहेगा, मगर जैसे मैंने कहा ना, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लिया जाए, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह लिया जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।